नमस्कार, रेड अलर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। लगातार 50 घंटों से नरसिंहपुर जिले में हो रही भारी बारिश से एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त है और प्रदेश सहित अगर मैं बात करूं तो जिले के सारे नदी नाले इस समय भयंकर उफान पर हैं। हम इस समय मौजूद हैं मां नर्मदा के तट पर, जो पुराना पुल है सतधारा का, उस पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कितनी तीव्र वेग से मां यहां से प्रभावित हो रही हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए, ग्राउंड जीरो की इस चर्चा के लिए हमारे साथ है पंडित मदन तिवारी, प्रधान संपादक रेड अलर्ट। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, क्या कहेंगे ये जो हालात बने हुए हैं बारिश के, लगातार 50 घंटों से तेज बारिश हो रही है और इस दौरान सारे जिले के जो नदी नाले हैं सारे उफान पर हैं, क्या कहेंगे? विवेक, बताना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय बाद हमें नज़ारे देखने को मिले हैं। यदि हम सीधी सीधी बात करते हैं तो 96 में और 93 में भी ये नज़ारे हमने देखे थे, जब नर्मदा जी के पुल के ऊपर से 4 फुट 5 फुट पानी बहा करता था, और ये काफ़ी लंबे समय बाद ऐसी स्थितियाँ बनी हैं। आज की जो स्थिति है विहंगम दृश्य भगवती का, हम सीधी बात करें जीवन दाय जी मां नर्मदा है वो उफान पर है। आप देख सकते हैं इनकी जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पूरा पानी भर चुका है। अभी हम सतधारा के पुल पर हैं और सतधारा के पुल पर ही ये टेलीकास्ट किया जा रहा है आपके द्वारा, तो हम देख सकते हैं हमारे पीछे के जो नज़ारे हैं बड़े भयावह नज़ारे हैं। हमारे कैमरामैन से भी कहेंगे वो कैमरा नज़ारों की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन आज के जो हालात हैं आप देख सकते हैं ऐसा नज़र आ रहा है मानो जीवन दायिनी माँ भगवती नर्मदा अपने रौद्र रूप में। प्रचंड वेग, एक तो लगातार 50 घंटों से तेज बारिश, उसके बाद बरगी डैम के 17 गेट लगभग 2.5 मीटर खोले गए हैं, तो उस कारण से माँ का जो वेग है वो बहुत तेजी से, तो ऐसे में जो निचली बस्तियों में जो लोग रहने वाले थे या जो मंदिर थे वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए, तो उन लोगों पर कितना प्रभाव पड़ा होगा सर इसका? विवेक, देखिए ये जो समय है बारिश का समय है, बारिश काल है। दूसरी बात ये होती है कि जब नदियाँ उफान पर होती हैं तो निचली बस्तियाँ जो हैं अपने आप प्रभावित होती हैं। तो बताऊँ आपको, जो हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम कर रहे हैं, लगातार नज़ारे देख रहे हैं, तो ग्राउंड जीरो के जो हालात हैं वो आज की स्थिति में बद से बदतर हम कहे जा सकते हैं, क्योंकि लोगों के घर में पानी बह गया है, किसी के जो पुराने मकान हैं वो ढह गए हैं, बात करें जो कच्चे मकान हैं वो भी ढह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जो है, जो आप देख सकते हैं मंदिर हैं या मकान हैं जो घाट पर निर्मित हैं वो भी लगभग लोग सभी जब डूब चुके हैं, और माँ नर्मदा का जो विकराल रूप है अकेले नरसिंहपुर में नहीं है, जबलपुर से जो प्रवाहित है जैसे ही गेट खोले गए हैं तो यहाँ से लेकर हम बात करें होशंगाबाद तक, तो होशंगाबाद में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और सारा होशंगाबाद का जो निचला इलाका है उसमें पूरे में जल भरा हो चुका है। सर, जैसे मैं बात करूँ जिले में और भी जगह से हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं, लगातार सारे नदी नाले उफान पर हैं, यहाँ तक कि अगर मैं अभी की बात करूँ तो जबलपुर से नरसिंहपुर का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है, क्योंकि तीन जो रास्ते थे तीनों मार्गों पे पानी पुल पे ऊपर है और आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है, तो ऐसे में जो प्रभावित हो रहा होगा जनजीवन, और इस समय में शासन और प्रशासन की अगर मैं बात करूं कि कितनी मुस्तैदी चाहिए होगी और कितनी व्यवस्थाएं चाहिए तब जाकर के हम इन सब चीज़ों से डील कर पाएंगे। विवेक, जो वस्तु स्थिति है, जो नज़ारे नज़र आ रहे हैं, इस नज़ारे को यदि हम देखते हैं तो इसके हिसाब से आज की जो परिस्थिति निर्मित है या नज़र आ रही है तो ये एक भयावह रूप है, और रौद्र रूप के साथ साथ जो नर्मदा का प्रवाह है वो बहुत तेज है। इस प्रवाह में सबसे ज़्यादा तो सचेत रहने की आपको और मुझे स्वयं को ज़रूरत है, आम जनता को ज़रूरत है। मैं बताऊं कि प्रशासन की भी, आप और हम हमारे लोग ही प्रशासन में रहते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोताही नहीं बरतना चाहिए और इनमें सजगता के साथ लोगों को काम करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अपने मानवीय भाव को प्रदर्शित करते हुए जो भी ऐसे लोग हैं जहाँ नदी नाले हैं, निचले इलाके हैं या जहाँ जल भरा हो गया, तो स्वयं को भी कुछ करना चाहिए। पूरा प्रशासन के भरोसे रहना मुझे लगता है उचित नहीं है, लेकिन प्रशासन के यदि हम देख पा रहे हैं तो लगातार पुलिस व्यवस्थाएँ हैं, जो भी नदी नाले हैं उन पर प्रशासन की पुलिस की व्यवस्थाएं लगाई गई हैं, जिससे कि कोई ऐसे जो पुराना जैसे पुल है जिस पर आज हम बैठ कर यहाँ पर टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी दोनों ओर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, दोनों ओर पुलिस का बल यहाँ पर लगा हुआ, देख सकते हैं आप ये नज़ारे हैं, तो लगातार यहाँ पर जो है पुलिस अपने किसी को यहाँ पर अंदर प्रवेश नहीं करने दे रही, तो कुल मिलाकर सुरक्षा की दृष्टि से वो तैनात है। अब हमारी भी कहीं ना कहीं
जवाबदेही बनती है कि हम भी अपनी सुरक्षा और अपने परिवार का ध्यान में रखते हुए काम। इसी बारिश के चलते कुछ मैं कहूँ तो प्रशासन की पोलें भी खुल के सामने आई हैं। जैसे अगर हम छिंदवाड़ा है, जो नेशनल हाईवे 547 है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो धोबगढ़ के थोड़े से पहले एक रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और करीबन 6 फीट की चौड़ाई में पूरी की पूरी रोड अंदर धस गई है। सर, इस मामले पे क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं गुणवत्ताविहीनता का भी काम है। बिल्कुल विवेक, ये बड़ी बात है, ये बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि प्रशासन की तो कहीं ना कहीं उसमें अपन कह सकते हैं कि लूस या लीक उनका वो रहता है कि मिली भगत ठेकेदारों के साथ होती है। इसके कारण ये नज़ारे ऐसे नज़र आते हैं कि सड़क का बह जाना, पुल का टूट जाना, पुलिया का टूट जाना या जो निर्माणाधीन ब्रिज है उसका ढह जाना, ये अचानक नहीं हो सकता। या इनमें कोई ना कोई कमी होती है गुणवत्ता की, जो रेत की हम बात करते हैं, जो गिट्टी लगाई जाती है उसकी हम बात करते हैं, लोहा जो बिछाया जाता है उसकी हम बात करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टीम भी जो है उसमें मिली भगत में सम्मिलित हो जाती है, इसके कारण ये परिस्थितियाँ बनकर आती हैं। अभी आपने पूछा कि नरसिंहपुर का 547 जो मार्ग है, नरसिंहपुर से वो छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से नागपुर को जोड़ते हैं, ये रोड पूर्ण रूप में बंद इसलिए नहीं हुआ कि नदियाँ उफान पर हैं या पुल के ऊपर बह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसलिए हुआ है कि सड़क बह गई, सड़क बह गई, ये बड़ी बात आती है। और मुझे लगता है कि ऐसे जिम्मेदार जो ठेकेदार हैं उनको ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तत्कालीन जो अधिकारी होते हैं उन पर भी कार्रवाई। वहीं एक बहुत सुंदर पक्ष प्रशासन का हमें देखने को मिला, हमारे जब ग्राउंड जीरो से हमारे पास खबर आई छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा के चौराई में एक टापू से एक पीड़ित को जो बाढ़ में फंसा हुआ था उसे हेलीकॉप्टर से एनडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू किया गया। ऐसी तस्वीरें जब आती हैं तो क्या कहेंगे, क्या इससे लोगों का बल बढ़ता है, क्या होता है? देखिए विवेक, ये सही बात है कि प्रशासन मुस्तैद है, मुस्तैदी से वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा आरोप उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे, इसके लिए वो अपनी व्यवस्थाओं को संपादित करते हैं। कभी ऐसी कोई परिस्थिति बन भी जाती है कि कोई बाढ़ में फंस जाता है या बाढ़ में बह जाता है या हम बात करें निचली बस्तियों में पानी भरा जाता है, तो लगातार प्रशासन और एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार काम कर रही हैं और उनके बदौलत ही जिंदगियां बचाई जाती हैं। जो नज़ारे में हेलीकॉप्टर की बात यदि आप कर रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर से उस परिवार को बचाया गया, उस बुजुर्ग महिला को बचाया गया, उस परिवार को व्यवस्थित स्थान पर पहुँचाया गया, क्योंकि अचानक बाढ़ आ जाने से, अचानक तीव्र वर्षा हो जाने से ये हालात निर्मित हुए थे। नरसिंहपुर पुलिस की यदि बात करते हैं तो देर रात तक जो निचली बस्तियों में जो पानी भर गया था, लोग भी फंस गए थे, उनको भी नरसिंहपुर की जो पुलिस है उसने बचाया और देर रात रेस्क्यू करके उन्हें अपने व्यवस्थित ठिकानों पर पहुँचाया। जी, तो हमारे साथ थे पंडित मदन तिवारी, जिन्होंने साझा किए अपने पुराने अनुभव कि जब 1993-1996 में उन्होंने इस पुल पर, जिस पर हम अभी बैठे हुए हैं, इस पर 4 फीट पानी उन्होंने देखा हुआ है, तो वो अपने अनुभव साझा किए। साथ ही उन्होंने अपने अनुभव साझा किए किस तरह से प्रशासनिक टीमें मिल करके इस बाढ़ के मौसम में लोगों की मदद कर रही हैं। और नरसिंहपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो लगातार 50 घंटों से भारी बारिश जारी है और बारिश अभी भी लगातार जारी है। ये कुछ समय जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला था, तो लोगों की आस्था आप देखिए नर्मदा में कि लोग उस समय में भी इस इतनी भयंकर बाढ़ में माँ नर्मदा के तट पर पहुंचे हुए हैं, जो विजुअल्स में आप हमारे साथ देख पा रहे हैं। तो ये विकराल रूप हम आपको लाइव दिखा रहे थे सद्धारा पुल से, माँ नर्मदा के उस पुल से, जो कि कुछ ही फिट बाकी है, जिस पर कि इस पर भी पानी आने की आशंका है। अगर बारिश थोड़ी और होती तो पानी इसके ऊपर होगा। ऐसे ही सटीक खबरों के लिए और हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के लिए देखते रहिए रेड अलर्ट न्यूज़। नमस्कार।